लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर इंदौर स्थित हिंदी साहित्य भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के गांधीवादी सहित प्रबुद्ध जन शामिल हुए। शनिवार को कांग्रेस देश भर में 134वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर कांग्रेस द्वारा CAA और NRC को लेकर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में भी कांग्रेस गांधीवादियों और शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर एक कार्यक्रम हिंदी साहित्य भवन में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने बताया कि आज गांधी के सिद्धांतों का पालन करते हुए गांधीवादियों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सीएम कमलनाथ की तरफ से सम्मान किया गया। साथ ही CAA और NRC जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं शहर के जाने माने बुद्धिजीवी आनंद मोहन माथुर ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही देश के लिए बलिदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लेकिन मैं बेसिकली जो इस तरह की कार्रवाई है, देखिए कार्रवाई हो, कानूनी हो और कानूनी प्रक्रिया के साथ हो, देखिए ऐसा है, और वो प्रक्रिया भी ऐसी हो कि जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया हो, और साथ में वो प्रक्रिया भी ऐसी हो कि जिसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ हो रही है उसको पूर्ण न्याय मिल सके, उसकी सुनवाई हो सके। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्थापना वर्ष पे ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है हिंदी साहित्य भवन मानस भवन में। यह हम जितने भी गांधीवादी विचारधारा को स्थायी तौर पर जिन्होंने स्तंभ बन के काम किया है उनका मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की ओर से सम्मान किया जा रहा है, और जो चर्चित विषय है NRC का और CAA का उस पर एक डिस्कशन रखा है ताकि एक अच्छा संदेश मध्य प्रदेश की जनता में जाए कि जो कानून देश की जनता के विरोध में है वो क्यों है, उसका एक डिस्कशन बौद्धिक लोगों में हो सके। ये स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।